अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखो कहाँ आ गई हूँ आज मैं। फिर विश्वामित्री नदी, बरोड़े की नदियाँ अभी फुल हो चुकी है, बारिश बहुत पड़ी है हमारे शहर में। तो बस मैं थोड़ा सिटी में जा रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप बनाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो थोड़ी बारिश रुकी है और आज धूप निकली है मेरे शहर में। ये है देखो बरोड़ा की विश्वामित्री नदी जो आज फुल हो चुकी थी। देखो इस तरह से पानी आ गया है तो ये कभी भी ओवरफ्लो हो सकती है। तो कोई बात नहीं, चलो विश्वामित्री की नदी और ये सबको मैं बाजू पे रखती हूँ। और ये कमाठी गार्डन, ये पीछे का एरिया है, देखा है आप लोगों ने कमाठी गार्डन, ये मेरे बरोड़े की आन बान शान। और आज मैं कमाठी गार्डन का पीछे का एरिया आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि आज मैं पीछे के एरिया के तरफ से सिटी में जा रही थी, अब आ रही हूँ। आज एक मौलाना साहब ने बयान अब भी मेरे पास आया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलो मैं भी सुनती हूँ बयान मौलाना साहब का आप लोगों के साथ, और आप लोग भी मौलाना साहब का बयान सुनो। वो मैं उनको पहचानती नहीं हूँ लेकिन उनकी वीडियो मैं आज फर्स्ट बार, यानी मेरे पास ये बयान उनको टिकटॉक पे मैंने ये मौलाना साहब को देखे थे, वो आती थी उनकी छोटी छोटी वीडियो, लेकिन अभी यूट्यूब पे जब से मैंने नहीं देखा। लेकिन इनका बयान मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मौलाना साहब का बयान। तो चलो मिल के सुनते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज सुबह में मैं औरतों की फजीलत और उसके मकाम और मर्तबे पर एक किताब पढ़ रहा था तो ऐसी ऐसी हदीसें मेरी नजरों से गुजरी कि उसको पढ़ने के बाद मेरी जबान से बेसाख्ता ये निकला कि वाह रे नेक औरत, तेरे तो बड़े मजे हैं यहां भी और वहां भी। ये वीडियो और ये बातें अपनी बीवी को जरूर सुनाना। अगर आपने ये वीडियो अपनी बीवी को नहीं सुनाया तो आपने आज बहुत बड़ा नुकसान किया, बहुत बड़ा घाटा किया और आप बड़े कंजूस साबित होंगे। और ये बातें, ये वीडियो अपनी बहन बेटियों को भी जरूर सुनाना ताकि उन्हें पता चले कि इस्लाम ने उन्हें क्या मर्तबा दिया, कहां से कहां पहुंचा दिया। कहां उन्हें एक वक्त था कि जिंदा दफन कर दिया जाता था, उन्हें कोई हक नहीं दिया जाता था, उन्हें एक बिकाऊ चीज समझा जाता था। लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, इस्लाम आया और इस्लाम ने औरत को कहां से कहां पहुंचा दिया। आप सुनिएगा जरूर, एक नेक औरत अपने खाविन से पहले जन्नत में जाएगी और जन्नत की हूरों से 70 गुना हसीन और खूबसूरत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की बेहतरीन औरतें वो है जिनका महर थोड़ा हो। एक नेक औरत 70 मर्द औलिया से बेहतर है और एक बदकार औरत 1000 बुरे मर्दों से बुरी है। जो औरत बच्चे के रोने की वजह से सो न सके उसको 70 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है। बच्चों वाली औरत की 2 रकात नफिल बगैर बच्चों वाली औरत की 82 साल की इबादत से अफजल है। जो औरत बच्चे को दूध पिलाए उसके हर घूंट के बदले में उसी नेकी मिलती है। जब औरत घर में झाड़ू देते वक्त सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो उसको बैतुल्लाह यानी काबे में झाड़ू देने का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। एक हामिला औरत यानी एक प्रेग्नेंट औरत की 2 रकात की नमाज बगैर हामिला औरत के 80 रकातों से बेहतर और अफजल होती है। जो औरत नमाज रोजे की पाबंदी करे, पाक दामन रहे, अपने शौहर की ताबेदारी करे, वो कल कयामत के दिन जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगी दाखिल हो सकती है। हामिला औरत यानी प्रेग्नेंट औरत की रात इबादत में और दिन रोजे में लिखा जाता है। जब किसी औरत का बच्चा पैदा हो जाए उसके लिए 70 साल की नमाज और रोजे का सवाब लिखा जाता है। बच्चा पैदा होने में औरत जो तकलीफ बर्दाश्त करती है, उसके हर दर्द में, उसकी हर एक आह में एक एक हज का सवाब लिखा जाता है। अगर बच्चा पैदा होने के बाद औरत 40 दिन के अंदर उसका इंतकाल हो जाए, फौत हो जाए, तो उसको शहादत का दर्जा दिया जाता है। जब बच्चा रात को रोए और मां
बद्दुआ दिए बगैर यानी बच्चे को बुरा भला कहे बगैर उसको दूध पिलाए तो उसको शहीद के बराबर सवाब दिया जाता है। जब बच्चे का दूध पीने का वक्त पूरा हो जाए तो आसमान से एक फरिश्ता आकर उस औरत को खुशखबरी सुनाता है कि ए भली औरत, अल्लाह ने तुझ पर जन्नत वाजिब कर दी। और जब शौहर सफर से वापस आए और औरत उसका वेलकम करे, उसको खाना खिलाए और उस दौरान उसने कोई खयानत भी ना की हो तो उसको 12 साल नफली इबादत का सवाब मिलता है, सुभान अल्लाह। और जब औरत अपने शौहर के बिना बोले यानी बिना कहे उसके सर पैर दबाए उसकी खिदमत करे तो उस औरत को 7 तोला सोना सदका करने का सवाब मिलता है। और शौहर के कहने पर अगर वो खिदमत करे उसके सर पैर दबाए तो उसे 7 तोला चांदी सदका करने का सवाब मिलता है। जिस औरत का खाविन उस पर राजी हो और इसी हालत में वो मर जाए तो उस औरत पर जन्नत वाजिब हो जाती है। अपनी बीवी को एक मसला सिखा देना या कोई एक दीन की बात सिखा देना 80 साल की इबादत का सवाब मिलता है। जो औरत गाय या भैंस का दूध बिस्मिल्लाह पढ़कर धोए तो वो जानवर भी उसको दुआएं देता है। जो औरत बिस्मिल्लाह पढ़कर आटा गूंदे अल्लाह तबारक व ताला उसकी रोजी में बरकत डाल देते हैं। और जब खाविन परेशान हाल थक कर बाहर से घर आए और जो औरत उसे मुस्कुराकर मरहबा कहे, वेलकम करे, उसे तसल्ली दे तो सुन लो औरतों, उस औरत को आधे जहाद का सवाब मिलता है। और जो औरत अपने शौहर को अल्लाह के रास्ते में खुशी खुशी भेजे और घर में सबका ख्याल रखे वो उस मर्द से 500 साल पहले जन्नत में जाएगी और 70,000 फरिश्तों और हुरों की सरदार होगी। उसको जन्नत में गुसल दिया जाएगा और याकूत के घोड़े पर सवार होकर वो अपने शौहर अपने खाविन का इंतजार करेगी। और आखिर में जो औरत अपने बच्चे की बीमारी की वजह से ठीक से सो न सके और उस बच्चे को आराम देने की और उसको सुलाने की कोशिश करे जो कि आम तौर से औरतें करती ही है, उसे 12 साल की मकबूल इबादत का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब मुझे आप लोग बताइए, इतनी सारी औरतों की फजीलत पढ़ने के बाद मेरी जबान से जो बेसाख्ता जुमला निकला था कि वाह री नेक औरत, तेरे तो बड़े मजे हैं यहां भी और वहां भी, सही था ना? वाकई में इस्लाम ने, अल्लाह ने, उसके रसूल ने औरतों को बड़ा मकाम दिया है, बड़ा मर्तबा दिया है। औरतों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, बस तुम जितने काम अभी बताए गए हैं उस पर अमल करो, ये सारी चीजें आपको जरूर मिलेगी। ये ईमान और अकीदे की बात है और अल्लाह का करम है कि हम ईमान वाले हैं, हमें अल्लाह पर, उसके रसूल की बातों पर मुकम्मल अकीदा और मुकम्मल ईमान है। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरे को मौलाना साहब का बयान बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खूब सारी दुआओं में याद, अल्लाह हाफिज़।